मित्रों नमस्कार, मैं पंडित लाल बहादुर शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों आज की हमारे शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के ज्योतिष का विषय है घर में सुख शांति और घर की तिजोरी में रखने से घर में होगी माता लक्ष्मी की कृपा। मित्रों दीपावली लक्ष्मी का पूजन 4 नवंबर रात्रि को किया जाएगा। इस बार महालक्ष्मी का पूजन जो आ रहा है उसमें पूजन में मुख्य रूप से गणेश लक्ष्मी कुबेर सरस्वती का पूजन तथा व्यापारी वर्ग को कलम जो उनकी कलम लिखने वाली होती है लेखनी का पूजन तथा गृहस्थी और व्यापारी वर्ग को सभी को घर की व्यापार या स्थल की दहलीज जिसको दहलीज बोलते हैं चौखट बोलते हैं और या गृहस्थी के घर की दहलीज उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। पूजन के लिए वहां पर जोत जलाएं धूप दीप आदि से पूजन करें दहलीज का, क्योंकि दहलीज पर मुख्य रूप से माता जो होती हैं लक्ष्मी उस दिन घर के अंदर जिसकी दहलीज सबसे अच्छी साफ सुथरी जिस पर आमंत्रित होता है कि आमंत्रित करते हैं उस पर माता लक्ष्मी उस घर में अवश्य प्रवेश करती हैं। पूजा के समय अष्ट लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। चांदी का सिक्का जो बताने जा रहा हूँ चांदी का सिक्का एक ले लीजिएगा पहले से। लक्ष्मी और गणेश का जो सिक्का होता है या चांदी का सिक्का उसको पंचामृत से और गंगा जल से स्नान कराकर लकड़ी की चौकी पर कपड़ा बिछा कर रख दे। उसके बाद सिंदूर चंदन पुष्प चावल धूप दीप नैवेद्य से पूजा करके अष्टलक्ष्मी के नामों का उच्चारण करते हुए साबुत हल्दी का एक पीस कमल गट्ठे के 8 पीस गोमती चक्र का एक पीस और साबुत धनिया के दाने चढ़ाएं। इसके बाद एक छोटा सा मंत्र, मंत्र क्या है, ओम श्रीम हरीम श्रीम लक्ष्मे नमः। फिर से मंत्र को सुन लीजिए, ओम श्रीम हरीम श्रीम लक्ष्मे नमः। इस मंत्र को मंत्र का जाप छोटा सा मंत्र है कमल गट्ठे की माला से या फिर चंदन की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से जाप को 108 बार या फिर 11 माला सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें लक्ष्मी माता का जाप जो होता है वो तुलसी की माला से कदापि ना करें। स्फटिक की माला भी प्रयोग कर सकते हैं, चंदन लाल चंदन की माला से भी माता लक्ष्मी का जाप कर सकते हैं लेकिन तुलसी की माला से जाप नहीं कर सकते। इसके बाद इसको जाप को करने के बाद सारा चीज जो है उसी लकड़ी की चौकी पर स्थापित रहने दें और पास में घी का दीपक जला दें। सुबह प्रातः काल स्नान से पवित्र होकर फिर से अपना नित्य क्रिया की जो पूजा करते हैं लाल रंग की थैली पहले से ही रखकर रखें। लाल रंग की थैली में चांदी का सिक्का कमल गट्ठे के बीज जो है सारे उठा लें, साबुत हल्दी जो है और गोमती चक्र जो है और साबुत धनिया के दाने इन सभी चीजों को थैली में बंद करके अपने व्यापार स्थल पर रख दें। अपने घर की तिजोरी में रखने से घर में माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब मित्रों हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर में सुख शांति के लिए वनस्पति प्रयोग। दीपावली के दिन पूजन के दिन रात्रि के समय गणेश जी माता लक्ष्मी को सरस्वती जी को कुबेर जी को धनिया साबुत धनिया के दाने अवश्य चढ़ाएं। साबुत धनिया साफ सुथरे हों। गणेश जी को चढ़ाते समय ओम गण गणपते नमः बोलिए। लक्ष्मी जी को चढ़ाते समय ओम लक्ष्मे नमः बोलिए। सरस्वती जी को चढ़ाते समय ओम सरस्वते नमः बोलिए और कुबेर जी को चढ़ाते समय ओम यक्षणाय कुबेराय नमः ये बोलकर धनिया के दाने चढ़ाएं। और दिवाली के अगले दिन उन साबुत धनिया के दानों को अगर घर में कच्ची जमीन है और बाग बगीचा बना है तो उसमें साबुत धनिया के दानों को जमीन में बीज दे, नहीं तो फिर किसी गमले में ही बीज दे। धनिया के दानों को जमीन के नीचे नहीं दबाया जाता, मिट्टी को पहले थोड़ा खोद लें उनको पोली कर लें और उसके बाद फिर उसमें धनिया के दानों को डालकर एक बात का ध्यान रखें कि मिट्टी सूखी होनी चाहिए, थोड़ी सी नमी हो, फिर उसमें धनिया के दानों को बिखेर दें और मिट्टी ऊपर से थोड़ा सा बराबर कर दें। आप देखेंगे कि इन धनिया के दानों से उगने से आप इनका अगर घर में प्रयोग करते हैं इन धनिया की पत्तियों का आपके घर में सुख समृद्धि घर में सुख शांति तथा घर में आरोग्यता निरोग्यता का प्रवेश होगा। मित्रों इस प्रकार महालक्ष्मी के पूजन में इन सभी उपायों को कर करके आप अवश्य फायदा उठाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे आपके मित्र समूह में इसका भी फायदा हो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी बटन को दबाएं जिससे नई नई वीडियो अपलोड होने पर आपको श्रोता प्राप्त हो जाए। मित्रों फिर से एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आपको सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।